sa. आपका प्रश्न है कि बाबा कहते हैं रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त। रहम करना अर्थात किसी भी आत्मा को सहयोग देना, किसी भी आत्मा को सहयोग देना। अब सहयोग देते वक्त हमें एक तो निस्वार्थ किसी भी प्रकार का लालच नहीं, स्वार्थ नहीं कि मैं इसकी हेल्प करूं इससे मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इसको बाबा का संदेश दूं मेरा काम, क्योंकि यदि आपने सेवा स्वार्थ के लिए की आपको वो स्वार्थ पूरा हो गया बस काम करो, परंतु ये सेवा तो हमें बिल्कुल निस्वार्थ कर किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे मन में लालच ना, ये हमारे एरिया का है, हमारे सेंटर पर आएगा, हमें ये फायदा होगा, इसलिए हमने उसको क्या सुनाया। ये इस प्रकार के कार्य करवा सकता है, इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेकर क्या सुना, ये अच्छे पद पर है, अच्छी पोजीशन में, अच्छा पैसे वाला है, अच्छा सहयोगी है, ये सहयोगी बन सकता है, ऐसा सोच करके किसी भी आत्मा को ज्ञान क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आत्मा का अपना। मुझे तो हर आत्मा चाहे वो समर्थ है चाहे असमर्थ है, चाहे धनी है चाहे गरीब है, जैसी भी पोजीशन है, मुझे उसे बिना किसी स्वार्थ के सहयोग और लगाव हो, क्योंकि लगाव होगा अटैचमेंट होगा तो उसके जाने का तो क्या और कैसे। जब हमें समझ में आ गया कि हमारा कोई अटैचमेंट होगा तो भी हम, जब यदि हमें कोई स्वार्थ होगा तो भी हम रहम कर रहे हैं तो वो देहिक हो जाए, विकर्म की खाते में चला जाए। हमने स्वयं को अभी तक आत्मा नहीं समझा, समझाया जिसको जा रहा है, जिस पर हम रहम करने जा रहे हैं उसको भी हमने आत्मा नहीं समझा। आत्मा समझा होता तो ये गलतियां ना, ये बात हमारी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह समझ में आना जरूरी। यदि हमें समझ में आ गया है तो हम किसी को भी इसीलिए सहज रीति से समझा सकते। हमें अकर्म का खाता बनाना है, स्वयं को आत्मा समझना है, हर एक आत्मा को परम पिता परमात्मा की संतान अपना भाई समझना है, फिर उसे हर बार बाबा की समझ आने का तो उसे समझ में आता है।
प्रतिदिन इस प्रकार से सेवा करने का अभ्यास करें। धीरे धीरे बार बार गलती होगी, धीरे धीरे इसे सुधारने का प्रयास करें तो गलतियां बंद होता जाएगा। तो विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो 9213106986 पर कर सकते।